अपनी जिंदगी को समझने के लिए हर शख्स को किसी न किसी गुरु का शिष्य तो बनना ही पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग तो अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा देना तो दूर, उन्हें तो अपने गुरु का नाम तक ठीक से याद नहीं होता। वजह यह कि लोग चेला बनना ही नहीं चाहते, ख्वाहिश यह है कि वे गुरु ही बनेंगे। मगर बनारस में एक अनोखा चेला है जिसने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने गुरु को अपना गुर्दा यानी किडनी ही अर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, गुरु के प्रति लगन इतनी ज्यादा बढ़ी कि वह अपने गुरु की समाधि का नियमित दर्शन करने के लिए गंगा की धारा पर लगातार 7 बरस तक पसरा ही रहा। शौच के लिए जमीन पर आ जाता था, लेकिन बाकी दिन रात धारा में नाव पर गुरु की आराधना ही करता रहा। नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले श्रद्धालु लोग इस चेला के प्रति प्रभावित हो गए और उसको भोजन देना शुरू कर दिया उन लोगों ने नियमित रूप से। वह तो देश विदेश से उसके कुछ गुरु भाई आए और उन्होंने अपने इस बेमिसाल साधक यानी गुरु भाई की साधना के लिए समिधा जुटाई और 5 एकड़ में एक आश्रम बनाया और इस शिष्य धाम को स्थापित कर दिया। शिष्य गाथाओं में अनिल राम अद्भुत है, ऐसा शिष्य तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। आज वे अपना केरल स्थायी रूप से छोड़कर बनारस के घाट में अघोर गुरु भगवान राम की स्मृति में तल्लीन है। अब यहाँ एक आश्रम है, एक मंदिर है और एक स्कूल भी है। यहाँ गुरु की आराधना होती है, यहाँ कोई गुरु नहीं, सब शिष्य हैं। इस आश्रम का इलाका प्रशांत है और यहाँ के लोग बिल्कुल प्रसन्न, ठीक वैसे ही जैसे ये अनिल राम। बनारस में अगर शिष्य के तौर पर देखा जाए, अब सर्वोच्च स्तर पे हैं आप भगवान राम जी के प्लान में, उस वंश को लेकर के। आपने कभी खुद भी गुरु बनने की कोशिश की, भगवान राम से ऊपर आने की कोशिश की? चेला बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी नहीं बनता, चेला बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, गुरु नहीं बने, उल्टी उल्टी धारा में। हम लोग अगर चेला अच्छा चेला बन जाए तो बहुत है हमारे लोगों के लिए। अच्छा, लेकिन विश्व तो वो तो बड़े महाराज है, अग्रेसर है, वो बहुत बड़ा ऊंचा पद है। लेकिन हम दक्षिण से आप आए थे क्या, यहाँ तक आए हैं चेला बनने के लिए आए थे या गुरु बनने के लिए? हम चेला बनने के लिए आए। अच्छा, उसमें समझना और दर्शन जीवन शैली को समझना अलग था या चेला बनना ज्यादा था? बाबा हम लोगों से एक ही चीज का, देखो हम लोगों को चेला, कम से कम चेला नहीं तो नौकर नहीं, कम से कम चाकर बना दो। चाकर तो उसका कई तो ये होता है, जैसे चाकर हुआ, फिर नौकर हुआ, फिर गुरु हुआ। तो हम लोग उस क्षेत्र में हम लोग नहीं, हम नहीं जाना चाहते। हम कम से कम उसका विचारधारा, उनका आदर्श, उनका जो भी ये है उसको उतना अनुसरण करें जितना उन्होंने कहा है। वो अपने आप को चेला मानते थे या गुरु मानते थे? कौन? भगवान राम। हमको नहीं, भगवान राम अपने आप को चेला मानते थे या गुरु मानते थे? वो तो महागुरु है, महागुरु। उन्होंने किसी व्यक्ति को अपने गुरु के तौर पर प्रतिष्ठापित किया, अपनी गद्दी को किसी को पहुंचाया? उन्होंने अपने रहते हुए उन्होंने ये सब चीज में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाया। भले उन्होंने उत्तराधिकारी जो भी है घोषित किया है, लेकिन उन्होंने कभी अपने पद को उन्होंने कभी ये नहीं किया है। उन्होंने दिखाया है हाँ मैं बहुत बड़ा महान गुरु है। साधारण जीवन से जीते थे, साधारण ढंग से जीते थे, साधारण कुर्सी में, साधारण वेशभूषा में रहा उन्होंने। न कोई सिंहासन पर बैठाया, न कोई उसका शेर पर सवार किया उन्होंने। भले शावक उनके पास रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उस तरह का वो नहीं दिखाया। उन्होंने साधारण मनुष्य के प्रति उन्होंने जीवन दिया है, नहीं कि जिसे आजकल जो दिखाते हैं लोगों के प्रति हम बहुत बड़े। अच्छा, कभी हमने देखा। आप केरल के हैं? मैं नहीं देखा। आप केरल के हैं? केरल जो दक्षिण क्षेत्र है वो बहुत विश्व गुरुओं का है, आदि शंकराचार्य भी उसी नमूद्री ब्राह्मण परिवार में थे। वहाँ से आप ऊर्जा लेने के बजाय आप बनारस में भगवान राम में आ गए, ऐसा क्यों? काशी धर्म का नगरी है, काशी में जरूरी है आने के लिए। काशी में एक उसका एक सब चीज़ का व्याख्या का पूरा आपको परिभाषा एक मीनिंग मिल जाता है, आपको वास्तविक सत्य मिल जाता है। लेकिन वहाँ अगस्त जैसे ऋषि भी रहे हैं। अगस्त यहाँ से तो गए थे हाँ, लेकिन जमे तो वहीं, निर्माण तो वहीं हुआ।
मजबूरी थी उनकी, जो भी है। कैसे आपसे कैसे भेंट हुई भगवान राम जी से? मेरे को पता चला बाबा एक अग्रसर हैं, अघोर हैं, तो बनारस में आया, काफ़ी भटकने बाद उनसे भेंट हुआ, फिर उन्होंने हमको स्वीकार किया। तब तक किस सन की बात है ये? 1980-85 की बात। 85 यानी उसके 5-6 साल बाद आपसे अमेरिका में गए आप भगवान राम जी के पास? सर हमेशा उनके साथ रहते। कैसे कैसे आप अमेरिका कैसे गए? अमेरिका जाने के लिए उनका कुछ किडनी का बीमारी शुरू हो गया था, तो बाबा को अमेरिका जाने के विचार नहीं था। हाँ। और दूसरी चीज़ था कि वो उतना जीना भी नहीं चाहते थे, वो कहते कहते हम ये सब तकलीफों से दूर रहना चाहता हूँ। हाँ। फिर हम लोग उनसे बहुत विनती किए, निवेदन किए काफ़ी लोगों से, फिर आखिरी में तैयार हुआ जाने के लिए। फिर तैयार हुआ, फिर किडनी की बात हुई, किडनी कौन देगा? तो आपने दिया? तो नहीं, हमारा पहले किसी ने दिया है। अच्छा। उनका नाम है कौशल। कौशल यहीं के हैं? नहीं, वो सरकार के परिवार के थे उन्होंने। अच्छा। परिवार संबंधित थे, बिहार के, उन्होंने तो उनका गांव के ही थे। तो उनका हमारा के 86 में, 86 में उनका ऑपरेशन हुआ था, 86 जो किया, तो कुछ वो पूरा रिसीव नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया था बाद में, एक साल के बाद रिजेक्ट हो गया। फिर उनको शुरू हो गया वही प्रॉब्लम, तो फिर दूसरे किडनी का ट्रांसप्लांट की बात होने लगा, तो हम उनके साथ रहते थे। फिर कहे कि हम ब्लड वाला, हमारा ग्रुप उनका ही एक एक ग्रुप था, तो ब्लड जब भी जब बाबा को ब्लड की जरूरत पड़ती थी हम ब्लड देना शुरू किए, काफ़ी ब्लड दिए। तो फिर उनका ये हुआ कि दोबारा को किडनी कौन देंगे, तो मेरा नाम आ गया। तो फिर जांच हुआ, तो हालांकि उनका परिवार का भी कोई जांच देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसका मैचिंग उतना अच्छा नहीं किया। निधन उनका वहीं हो गया अमेरिका, 91 में, अमेरिका में 92 में। अच्छा, उसके बाद आप वापस आ गए। वापस आ गए। अब मूल थोड़ा कटुआ कटु प्रश्न है, यहाँ आपको स्वीकार नहीं किया गया, आपकी किडनी वहीं नहीं फेल, स्वीकार नहीं कर पाए ये लोग, आपको नहीं स्वीकार पाए, ये पूरा घमंजा क्या था? जो आपने साधना शुरू की वो नदी पे शुरू की, तो वो किस्सा समझाइए कैसे हुआ? उनका प्रेरणा थी कि इसलिए कि जब तक बाबा से उतना समय साधना में उतना समय नहीं मिला था मेरे को, तो उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी उनका अपने जीवन काल में, तो फिर समय अच्छा समय मिला उनको करने के लिए, साधना करने के लिए। तो फिर गंगा जी में रह करके उन्होंने शुरू किया, मैंने तो देखा उसका प्रभाव, देखा बहुत अच्छा निकला, बहुत उसके वजह से धीरे धीरे हमसे लोग धीरे धीरे जुड़ने लगा। यहाँ प्रश्न है, वो साधना महत्वपूर्ण था अपने गुरु को लेकर के, या गंगा का प्रवाह था? गुरु का और गंगा का, दोनों का महत्व था। दोनों का। कितने साल तक आपने नदी पर? करीब 6 साल रहे। 7 साल, फिर क्या हुआ? फिर कुछ लोग मिले, कुछ लोग, इसलिए कि हमेशा गंगा जी में रहना ठीक है, उस समय बहुत अच्छा लगता था। भोजन और सब नाव में ही करते थे, विष्ठा भी, विष्ठा के लिए बाहर आ जाते। अच्छा। गंगा जी किनारे आते। भोजन कैसे मिलता है? भोजन कभी कभी लिट्टी बना लेते थे। अच्छा। वो बनाया तो वो सदुखड़ी भोजन, हाँ, जानते हो, वो सब सीख लिए, तो एक बार बन गया तो कई दिन तक चला, ऐसा कोई उसको कोई महत्व नहीं, मैंने ठीक है भूख लगा थोड़ा सा खाए। वो साधना काल में अपन आपका चलन फिर कम होता है, तो भूख भी उतना नहीं होता है जी। आप प्राण को आप संजोइए, प्राण को सिखाइए, प्राण को आप लेके चलिए, तो फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता है, बाकी इच्छा आपका थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो फिर इच्छा जब वहाँ ये हमारा पूरा ये पूरा हुआ, तो फिर इच्छा हुई, लोगों से भेंट हुआ, फिर लोग समाज के लिए भी कुछ करने की इच्छा हुई, तो मैंने ये स्कूल थोड़ा शुरू किया थोड़ा। नहीं, कैसे संपत्ति तो जो आपने बनाना शुरू किया, जमीन हासिल की, वो आपके मित्रों ने ली? हमारे मित्रों ने। कहाँ के थे? कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मैंने भारत के ही हैं, कुछ विदेश के भी। अच्छा, कितना जमीन लिया आपने? हमने यहाँ करीब हमारे ख्याल से तीन चार एकड़ जमीन है। 3-4 एकड़। तो उसे पूरा आश्रम और गुरुकुल वगैरह बनाना शुरू कर दिया? हाँ,
आश्रम बना है, थोड़ा सा छोटा हॉस्पिटल भी है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी है थोड़ा सा। भिक्षा से ही आपने पूरा संचालन करना शुरू कर दिया। वैसे जैसे ही मैं आया हूँ, मुझे गुड़ की ढली मिलाई है जो वहाँ नहीं मिल पाया, इन दोनों में क्या फर्क है? नहीं समझे। यहाँ आया मैं, गुड़ की टुकड़ा दिया, पानी लेके बिठाया, वहाँ मुझे नहीं मिलता है, ऐसा क्या है? कहाँ नहीं मिलता? पड़ाव में या वो अपने अपने है। एक नारा वहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप नाराज हैं तो व्यवस्था से हैं, और अगर व्यवस्था से नाराज हैं तो आपकी आवश्यकता नहीं है। इस दर्शन का मतलब क्या है? नाराज है तो व्यवस्था से, ये कहा है भगवान राम ने कहा था ये बात? मेरे को जानकारी नहीं। कितने साल आप रहे उनके साथ? करीब 7 साल रहे। अच्छा, कंटिन्यूसली। और उसके बाद पूरे 32 साल तक आप अकेले रह रहे हैं यहाँ पर? परिवार क्या है, अभी भी है, थोड़ी अकेले रह रहा। परिवार कभी आता है यहाँ या आप जाते हैं? परिवार से कोई जाता नहीं, कोई नहीं जाता। तो मतलब परिवार क्या है, हम बहुत सारा परिवार बन गया। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और कुछ दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोहेल को इजाज़त दीजिए।